गैलरी भुवनेश्वर ने दर्डा आर्ट गैलरी नागपुर में मोदी एट 20 पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया है। भारत को इस बार G20 मेजबानी मिली है, जिसे 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। आयोजक ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की पिछले 20 साल की यात्रा की प्रदर्शनी है। नागपुर सहित देश भर के कलाकारों द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पेंटिंग्स की प्रदर्शनी नागपुर में आयोजित की गई है, जिसमें मोदी की तुलना विष्णु से उनके राजनीतिक सफर के साथ की गई पेंटिंग से की गई है। मौजूदा समय में यह प्रदर्शनी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुरेंद्र आर्ट गैलरी भुवनेश्वर द्वारा आयोजित इस पेंटिंग प्रदर्शनी का नाम मोदी एट द रेट 20 रखा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के मोदी के राजनीतिक सफर को पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। साथ ही उनके विचारों, उनके मतों, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों आदि के आधार पर पंचकोण को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही कुछ पेंटिंग्स में मोदी को भगवान के रूप में दिखाया गया है। एक पेंटिंग में मोदी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है और दूसरी पेंटिंग में भगवान राम को दिखाया गया है। इससे एक नए विवाद की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति में महापुरुषों के बारे में दिए गए बयानों और भगवान के बारे में दिए गए बयानों पर विवाद देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा आरोप महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हाल ही में राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रतिक्रियाएं अभी भी आ रही हैं। इसी तरह नागपुर में भी मोदी को भगवान दिखाने से विवाद होने की आशंका है। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में विष्णु अवतार का पोस्टर लगाया गया था। उस समय कई विवाद हुए थे। मोदी जी के ऊपर ये लगाने का उद्देश्य ये है, अभी G20 में जो अब इंडिया को मेजबानी मिली है, तो यहाँ पे 20 कंट्री में से 19 कंट्री के लोग आने वाले हैं, उनके नुमाइंदा आने वाले हैं। इसीलिए मोदी जी का जो लास्ट 20 साल में काम हो रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, आज लीडरशिप मिली है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।